अस्सलाम वालेकुम, आइए बनाना शुरू करते हैं आज एक और नई रेसिपी जो है होममेड सेरेलेक की। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी और आसानी से बन जाती है और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखते हैं सेरेलेक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने ले लिया है राई या कुरमुरा या चुरमुरा जिसे कहा जाता है। ये पफ्ड राइस होती हैं और ये जो है तकरीबन मैंने 2.5 कप लिया हुआ है। साथ में मुझे लगेगा काजू 5 से 6, बादाम 5 से 6। ये मैंने एक बड़ा चम्मच आटा लिया है, गेहूं का आटा, और उसे थोड़ा सा भून लिया है, लेकिन साथ में हम लोग फिर से इसे भून लेंगे। और एक बड़ा चम्मच मैंने तुअर मसूर की दाल ली हुई है, एक बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ली हुई है, और हमें लगेगा 1 चम्मच जितना घी, देसी घी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने घी ले लिया है और घी जो है बहुत मामूली सा मैंने गरम कर रखा है। अब इसमें जो है पहले हम लोग दालें डाल लेंगे अपनी और उसे जो है भून लेंगे। बहुत धीमी धीमी आंच पे हमें इसे भूनना है ताकि इसमें कहीं भी कोई भी कच्चापन ना रह जाए। टोटल प्रोसेस के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें इसे भूनने के लिए। चले मैं इसे थोड़ा सा भून लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दालें जो हैं अब भून के थोड़ी सी जो है ये हल्का कलर हो गया है, दोनों दालों का कलर सेम हो गया है बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी गोल्डन हो गई है। और आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो गई है। अब इस लेवल पर जो है मैं इसमें डाल दूँगी काजू और बादाम, और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे हम लोग ताकि ये भी थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। देखिए हमारे काजू बादाम जो हैं ये भी क्रिस्पी हो गए हैं, थोड़ा सा भून गए हैं। अब मैं इसमें जो है पफ्ड राइस डाल दूंगी। राइस ऑलरेडी क्रिस्पी होते हैं, बस इसे थोड़ा सा जो है भून लेंगे हम लोग ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सब साथ में सारी चीज़ें भून जाएँ तो थोड़ा सा और ये क्रिस्पी भी हो जाए। इसे भुनने का मकसद सिर्फ इसका टेस्ट बढ़ाना नहीं बल्कि इसे पकाना भी है। अच्छी तरह से पका हुआ रहेगा तो ये कैसा, ये बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी चीज़ होती है। तो अगर ये थोड़ा सा भी कच्चा रहेगा तो बच्चों को लूज मोशन वगैरह होने का खतरा रहता है क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाते बच्चे इसे। इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी। अब इसमें जो है मैं ये भुना हुआ आटा जो था ये भी डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। इसे हल्का सा बस और हमें भुनना है। चलिए 1 से 2 मिनट मैं ऐसे भी भून लेती हूँ, फिर आपको दिखा। देखिए तमाम चीज़ें जो है मेरी भुन गई है। मैंने जो है दालों को तकरीबन 7 मिनट तक भुना था धीमी आंच पे, और उसके बाद हर एक चीज़ को 2-2 मिनट मैंने दिया है। इस तरह से मुझे 14-15 मिनट हो गए हैं लगातार भूनते हुए। अब मैं जो है गैस कर लूँगी बंद और इसे जो है थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारी पफ राइस जो है बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। ये अब जो है हम लोग इसे मिक्सी जार लेकर उसके अंदर डाल के थोड़ा थोड़ा करके जो है इसे पीस लेंगे हम लोग। इसे बिल्कुल बारीक पीसना है। अगर आप लोग सब्जी से अलग अलग पीस रहे हों तो आप दाल और ड्राई फ्रूट जो है बारीक पीस लें और लाई वगैरह जो है उसे दरदरा पीस लें, लेकिन मैं तमाम चीज़ें साथ में पीसने वाली हूँ इसलिए मैं बारीक पीसूँगी। देखिए मैंने मिक्सी का जार थोड़ा बड़ा लिया हुआ है तो मैं तमाम चीज़ें एक साथ पीस लूँगी। चले मैं इसे पीस लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये जो है मैंने इसे पीस लिया है और ये जो है काफ़ी अच्छा अभी जो है पाउडर बन चुका है। ये देखिए देखिए काफ़ी महीन हो गया है। अब मैं इसे जो है एयरटाइट कंटेनर में रख लूँगी। आप लोग इसे चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं अगर एयरटाइट कंटेनर में रख रहे हैं तो, या आप लोग इसे डब्बे में पैक करके और फ्रीज में रख दीजिए, इससे भी काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। और जब भी बच्चों को पका के देना है तो उस वक्त हम लोग गर्म दूध या गर्म पानी वगैरह लेके, आपके बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शक्कर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या नमक वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, तो आप पानी में नमक या शक्कर अपने हिसाब से ऐड करके उसमें 1 चम्मच, 1 कटोरी में 1 चम्मच ये मिलाकर उसे थिक बनाकर और बच्चों को दे सकते हैं। आइए आपको दिखा भी देती हूँ कि इसे किस तरह बनाना है। ये जो है मैंने गर्म पानी लिया हुआ है
आप चाहे तो बॉइलिंग वाटर ले सकते हैं, चाहे तो कुनकुना पानी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक हम लोग मिक्स करेंगे तब तक जो है पानी इतना कुनकुना हो जाता है कि बच्चे उसे खा सकें। मेरा बेबी जो है वो शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है, तो मैं उसमें जो है एक चम्मच इतना शक्कर डाल लूँगी। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और जैसे ही शक्कर घुल जाएगा मैं इसमें जो है ये सेरेलैक का जो पाउडर है वो मिला लूँगी। देखिए मेरी शक्कर जो है घुल गई है, अब मैं इसमें एक चम्मच जितना सेरेलैक मिला दूँगी और इसे मिक्स कर लेंगे हम लोग फिर से। थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा ठीक हो जाता है। इसे आप लोग 2 महीने से लेके 2 साल के बच्चों तक को दे सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होती है ये चीज़। देखिए काफ़ी ठीक हो चुकी है अभी ये, तो लीजिए तैयार है, बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी होममेड सेरेलैक। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है कि आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी ये। तो चलिए इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ।